बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम सिटी 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ, इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं। और अभी जो मुझे टिकर्स नज़र आ रहे हैं, कभी डेंगू की बात की जा रही है, कभी कोविड की बात की जा रही है, केसेस हम दोनों सूरत में देखें तो बढ़ते चले जा रहे हैं। और उसके बाद सबसे ज़्यादा संगीन सूरत हाल जो कि सेहत के लिए ख़तरनाक है, जिसको मज़ीद ख़तरनाक कहा जा सकता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स शहर का, जिसके मुताबिक शहर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल होता चला जा रहा है। तो बहुत अफसोस होता है। बागों के शहर की मिसालें आप सफाई सुथराई की देखते थे कि कहाँ कहाँ दी जाती थी। जब कभी भी जिक्र होता था साफ़ सुथरे शहरों का, बागों के शहरों का, तो शहर लाहौर का नाम लिया जाता था कि शहर की सफाई और कचरा दूर दूर तक नज़र नहीं आता था। अनफॉर्चुनेटली हम कुछ सालों से देख रहे हैं कि शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इस कदर बिगड़ता चला जा रहा है कि हालात जो हैं वो कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लोग परेशान हैं। हम देख रहे हैं कि हर टाइम कोई ना कोई बीमारी जो है वो अपने घेरे में ले रही है। उस पर अब जो हम हालात देख रहे हैं कि जी एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब हो रहा है, आलूदगी वजह से बीमारियां फैले, मतलब पहले से ही इतने सारे मसाइल हैं, उस पर आलूदगी की वजह से सांस की बीमारियों में लोग मुब्तला होते चले। अब जो लोग बाइक पर जाते हैं अपने कारोबारों पर, बच्चों के स्कूल खुले हैं, बच्चे स्कूल आते जाते हैं, तो ये चीज़ें तो बहुत ही ख़तरनाक जो हैं वो साबित हो सकती हैं। खैर, प्रोग्राम में आगे चल के हम कुछ डिटेल में बात करेंगे क्या वजूहात हैं इसकी और जिन लोगों का मुतल्लिका लोगों का ये काम है वो आखिर कहाँ पर सो रहे हैं। आगाज़ कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरी से। पहली खबर, शहर दुनिया के आलूदा शहरों में सैर फहरिस्त, माहौलियाती और फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने लगी है। गुज़श्ता 24 घंटों में शहर में डेंगू के मजीद 160 मरीज़ रिपोर्ट। डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 1077 हो गई। डिफेंस ए के इलाके में डकैती मजम्मत पर लेडी डॉक्टर कत्ल, पुलिस ने लाश तहवील में ले ली। और इसके बाद एलपीजी की कीमत में पूरे 20 रुपए का इजाफा। ये हैं आज की हमारी तमाम खबरें जिनको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर धुरे नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम धुरे, क्या हाल चल है? अच्छा धुरे नायाब, एक खौफ वाला एलिमेंट मुझे तो नज़र आ रहा है, आप डेंगू के केसेस, और फिर केसेस जब आप अपने इर्द गिर्द लोगों में सुनना शुरू कर देते हैं, अपने कलीग्स में सुनना शुरू कर देते हैं, वो आपके लिए मज़ीद खौफ की अलामत बन जाता है। अभी ये मसाइल से हम निकले नहीं हैं, ये अलहदा से बढ़ते चले जा रहे हैं, उस पर फिजाई आलूदगी बढ़ गई है। आज की पहली खबर शामिल कर लेते हैं जी। खबर के मुताबिक जी शहर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में शामिल है, माहौलियाती और फिजाई आलूदगी बढ़ने लगी है। इस पर हम डिटेल में बात करते हैं, लेकिन पहले आपको एक हालात दिखाते हैं कि बाहर तो बहुत सारे अनासर हैं जो मिलजुल कर आलूदगी का सबब बन रहे हैं। कहीं धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं, कहीं हमने देखा फैक्ट्रियों से निकलता धुआं है, और फिर इसके बाद ईंटों के भट्टे, जिनके लिए हमेशा से एक ऐलान आज तक बात की जाती है, अमल दरामद होता। मायदा ने हमें ज्वाइन किया, बाहर की सूरत हाल वो बता रही हैं। मायदा बताइएगा, बाहर मौसम पर क्या असरात पड़ रहे हैं, मौसम की सूरत हाल, और फिर ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना जो हम आलूदा देख रहे हैं, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, अगर बात करें माहौलियाती आलूदगी की, तो पाकिस्तान जो है वो इस टाइम सारे ममालिक में सर फहरिस्त है। नेपाल, रशिया और सऊदी अरब जैसे ममालिक को पाकिस्तान पीछे छोड़कर इस टाइम जो है वो पहले नंबर पर देखा जा रहा है। क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से 195 जो है वो क्वालिटी इंडेक्स इसकी रिकॉर्ड की गई है। इसकी वजह क्या है कि जब मौसम चेंज होता है तो जो स्मोग है वो देखने में नज़र आती है, क्योंकि अब जो है वो गर्मी का ज़ोर टूट रहा है, मौसम चेंज होने की तरफ आ रहा है, तो इसके साथ जो है वो स्मोग भी रोज़ बरोज़ जो है वो बढ़ती चली जा रही है, जो बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बन रही है। ये स्मोग की वजह जो है, यहाँ पर फैक्ट्री एरियाज़ हैं जिनकी चिमनियाँ एक सिद में खड़ी होती हैं, जिसका धुआँ जो है वो डायरेक्ट फिज़ा में जाता है और जो स्मोग का बायस बनता है। इसके साथ जो है माहौलियाती आलूदगी के जितने भी इदारे हैं उन्होंने भी बर वक्त अपना काम करना शुरू कर दिया है। 90% इसको जो है कंट्रोल कर लिया गया है, और 10% जो है वो इसको अभी काविश में लगे हुए हैं कि इसको जो है वो भी 10% जो रह गए हैं ऐसी चीज़ें उसको भी कंट्रोल किया जाए। जगह जगह ऐसी फैक्ट्रीज में छापे भी मारे जा रहे हैं जिनमें जो है वो धुआं।
जी मायदा हमारे साथ मौजूद थी और हमें बता रही हैं कि जी बाहर की सूरत हाल क्या है, किस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो आलूदा है, हर तरफ आलूदगी के बादल ही नज़र आ रहे हैं। दुरिनाय, आप क्या कहना चाहेंगे, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, जिनका काम है उनकी जानिब से तो मेरे ख्याल से वो लंबी तान के सो रहे हैं। देखिए, हम अब तरक्की, जो जिन शहरों की बात की जाए, हम तरक्की तो ना कर सके लेकिन अब तो हम डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ों में जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा बहुत ज़्यादा डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। अब लाहौर का जो माहौल है, माहौल ना ख़राब होने की वजह, सबसे बड़ी वजह है कि हमने शजरकारी पे बरवक्त तवज्जो नहीं थी, और हमें जो एक कंटिन्यूसली शजरकारी करनी चाहिए थी, अपने ग्रीन बेल्ट्स को इम्प्रूव करना चाहिए था, दरख्तों को बेहतर करना चाहिए था। उस पे हमें दावेदार तो खुद दरख्त काटते चले जा रहे हैं। आप जी वो देखें, खुद आपने बहुत अच्छी बात की है कि उनको खुद पता नहीं कि वो पॉलिसीज को किधर चलाना है किधर नहीं चलाना, दरख्त बेदरेगी से काटे जा रहे हैं, प्रोजेक्ट में जो दरख्त आ रहे हैं वो काट तो रहे हैं इस कमिटमेंट पे कि हम कहीं और लगाएंगे, लेकिन वो कहीं और नहीं लग रहे, और ना कि बताया जाता है जी कि हमने 500 दरख्त काटा तो हमने 5000 दरख्त लगा दिए, कहाँ लगा दिए कोई पता नहीं। उसके बाद जो मेवाकी किस्म के जो गार्डन्स बनाए गए हैं और जंगलात बनाए गए हैं, उनका भी हालत अगर आप जाके इस वक्त देखें तो उस तरह से उनकी ग्रोथ और केयर नहीं हो रही है भी शहर से बहुत दूर। एग्जैक्टली, उसका इंपैक्ट उस तरह से नहीं है। आपको ग्रीन पैचेस जो है वो डेवलप करने हैं, आपके ऑलरेडी जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनको डेवलप करना है, आपके अंदर जितनी भी सड़कों के साथ श्रब्स हैं, ग्रीन एरियाज हैं, उनको भी आपने मेंटेन करना है। ना सिर्फ मेंटेन करना है बल्कि ग्रीनरी को बरकरार रखने के लिए बरवक्त पानी देना और दीगर उनकी सफाई सुथराई के मामलात हैं। अगर पौधों पे और आपके दरख्तों पे इतनी गर्द जम जाएगी तो वो किस, वो तो खुद एक दरख्त सांस लेने से महाल हो जाएगा, वो आपको किस तरह साफ ऑक्सीजन मुहैया करेगा। तो इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारा पीएचओ तो खैर सो रहा है, हम उनकी तो बात ही नहीं डालते, महकमा माहौलियात के अपने मसाइल चल रहे हैं। आपने पिछले दिनों देखा सेक्रेटरी साहब और मिनिस्टर माहौलियात के बड़े इशूज़ क्रिएट हुए। तो जब हम आपसी जंगों में और अपनी जिम्मेदारियों से इस तरह आँखें छुड़ाते रहेंगे तो हम पाकिस्तान के समेत पूरी दुनिया के गद आलूद शहरों की तरफ ही जाएंगे, और इससे ज्यादा तरक्की की तो मुझे उम्मीद कोई नहीं। और फिर हमारे यहाँ एक वतीरा है कि हम एक दूसरे पर जिम्मेदारी, अगर हम एक ओवरव्यू देखें शहर का, धुआं छोड़ती गाड़ियाँ, फैक्ट्रियाँ और फिर ईंटों के भट्टे, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो फिर हम किस तरह मान लें कि शहर साफ हो सकता है, फिजा साफ हो सकती है? अच्छा, देखा जाए, अगर हमने, क्योंकि कंपैरिजन करना होता है, हम सियासी तौर पे इल्ज़ाम दराजी तो नहीं कर सकते ना कि हमने एक दूसरे पर इल्ज़ाम डाल दिया, आपने मेरे पे जिम्मेदारी आपने उस पर डाल दी। अब जो पिछली गवर्नमेंट में होता था कि आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब चले, आप कहते हैं जो शोबदाबाजी करते थे, लेकिन वो एटलीस्ट इस सीज़न में जो स्मोक का सीज़न है एक्टिव नज़र आते थे, भट्टों में जाते थे, वहाँ पे बच्चों के साथ, लोगों के साथ डिस्कशन करते थे, और जब भट्टे बंद हो रहे होते थे तो उनको माइल करते थे, कायल करते थे, और वहाँ पे जाके ठीक है भाई फोटो सेशंस भी होते थे लेकिन प्रेस रिलीज भी जारी होती थी। आप करवा तो लें ना, आप करवा तो लें। हमारी हालत तो ये है कि अगर हमने किसी प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह करना है तो 10 बार सोचना है। प्रोजेक्ट शुरू हुए 2-2 माह गुजर जाते हैं और हम लोग जाते हुए सोच रहे होते हैं, कोशिश होती है कि उसका वर्चुअल इफ्तिताही हो जाए, और सिर्फ सीएम हाउस के अंदर किसी 8 क्लब के अंदर बैठ के ही उसका इफ्तिताह कर दे। और जहाँ पे ये इंडिसाइसिवनेस का हाल है वहाँ पे स्मोक के अगेंस्ट सर्विलेंस कहाँ पर है, डेंगू के अगेंस्ट सर्विलेंस कहाँ पर है, आपकी जो शजरकारी मुहिम है उसकी प्रॉपर जो मॉनिटरिंग है वो किधर है। इसके साथ साथ लाहौर शहर के अंदर धुआं छोड़ने के 101 मसाइल हैं और 101 सबब बन रहे हैं, उसको उसकी रोकथाम कौन करेगा? आप रिंग रोड पे चले जाएं, आप रिंग रोड पे चले जाएं, आपको सांस लेना तो दरकिनार, आपको तो नजर आना बंद हो जाएगा, इतनी ज्यादा पोल्यूशन है लेफ्ट राइट साइड पे, इतनी वहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं और उसके बाद छोटी छोटी सरहतें हैं, स्टील मिल्स हैं, बहुत सारे ऐसे कारोबार हैं जो डायरेक्ट जो है वो बगैर फिल्टर के धुएं छोड़ रहे हैं। फिर आपको याद होगा गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी कि जी हम चिमनीज जो है उनको फिल्ट्रेशन सिस्टम के तहत, जो आपके भट्टों की चिमनी है, आपकी इंडस्ट्रीज की चिमनी है, जितने भी स्टील मिलों की चिमनी है जहाँ से धुआं बाहर निकलता है उनको फिल्टर करेंगे और उनको पाबंद बनाएंगे। रिहायशी इलाकों से फैक्ट्रियां बाहर, रिहायशी इलाकों से जो बहुत बड़ी बात है, बड़ी दूर की बात है, आप सिर्फ अपना जो धुआं फैक्ट्रियों से जहरीला धुआं खारिज हो रहा है आप उसको ही फिल्टर कर लें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वो भी नहीं हो सका, फिर कि कोई गाड़ी सर्टिफिकेट के फिटनेस के बगैर धुआं छोड़ने वाली गाड़ी जो है ना वो सड़क पे नहीं आएगी। मुझे ये बता दें, इनके पास मैन पावर नहीं है, ये काम करना नहीं चाहते हैं, या वाकई इनको कोई पूछने वाला भी नहीं? थोड़ा सा ना विजन का भी इसमें काम है कि एक चीज ट्रैक पे चढ़ गई है, आपकी मैन पावर तो तब है ना जब आपने एक चीज इंप्लीमेंट कर दी, आपके पास 1000 गाड़ी को इंस्पेक्शन करने की गुंजाइश नहीं है, तो आप 25 गाड़ियां कर लें,
आप 50 कर ले, थोड़ा सा किसी सिस्टम को कहीं से शुरू तो करें। किसी को डर खौफ तो हो, किसी को ये तो हो कि हमने गाड़ियों के बकायदा प्रॉपर उसकी फिटनेस को बरकरार रखना है, गाड़ियां धुआं छोड़ती जो है उनके साइलेंसर्स को अप टू डेट करना है, उनकी सर्विसेज करानी है। ये किसी को खौफ तो हो, या तो कोई चेक ही नहीं करता, कोई गाड़ी को चेक ही नहीं किया जाता। वाले कह देते हैं धुआं छोड़ती गाड़ियां वजूहात बन रही हैं, और भट्टों वाले कह देते हैं कि जी हमारा कसूर नहीं है, तो बस इसी तरह एक दूसरे पर। और आप देखें जी, एंटी डेंगू एक्टिविटीज की तरह जिस तरह एंटी स्मोक एक्टिविटीज होती थी, क्या आपने कोई एक या दो सालों के अंदर उस नुमाइयत की एंटी स्मोक एक्टिविटी देखी है? नहीं होता। खैर, आपने डेंगू का जिक्र किया, मुझे ब्रेक के बाद डेंगू और कोरोना की मौजूदा सूरत हाल भी डिस्कस करनी है, जो कि अब खौफनाक होती चली जा रही है। जिस तरह हम कह रहे थे कि जी कोविड खौफ की अलामत बनता जा रहा है, उस तरह अब डेंगू के मरीजों के बारे में सुन के भी एक्चुअली खौफ आने लगा है। तो मौजूदा सूरत हाल आपको बताएंगे। अस्पतालों के इंतजाम कल जायद साहब ने बता दिया कि बिल्कुल भी अस्पतालों में कोई तैयारी नहीं है। इस पर आते हैं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और अभी जो न्यूज़पेपर की खबर है उसके मुताबिक हम अपनी जो स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं, 160 है मरीजों की तादाद, और अभी जो टिकर्स अपडेट चल रहे हैं 180 मरीजों की तादाद हो गई है डेंगू मरीजों की तादाद। और ये 24 घंटे का डेटा है जो कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं, किस तरह से मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। 1077 मरीज डेंगू के, तो अब ये खौफ की अलामत बनता जा रहा है। दुरेना, आप क्या कहेंगे? अच्छा, जो आपने बात अपने इंट्रो में की थी ना कि आपका आपके जानने वाले, आपके दोस्त अजीज रिश्तेदार, वो तमाम तर इसे इफेक्ट नज़र आ रहे हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं जिनको डेंगू बुखार या तो गुजर चुका है या वो गुजर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, और उनके अंदर जो शिद्दत है जब डेंगू बिगड़ जाता है, तो जो वो कैफियत बताते हैं वो बड़ी खौफनाक है। हमारे एक दोस्त हैं, उनकी ये कैफियत है कि उनके जिस्म के अंदर इतना शदीद दर्द होता है कि जो वो कहते हैं कि ना मैंने ज़िंदगी में ऐसा दर्द देखा ना महसूस किया, और ये डेंगू बिगड़ने के बाद उनकी हालत हुई है। बुखार तो रहता था नॉर्मल, उसके बाद उनको 3-4 दिन फ्रीक्वेंट बुखार रहा, वीकनेस महसूस हुई, चलने फिरने में लेथार्जिक तबीयत हो जाना, वो फीलिंग्स आती रहीं। उसके बाद जब हालत एकदम गिरी और उसके बाद उनके प्लेटलेट्स जो है वो तेज़ी से डाउन हुए, तो उसके बाद उनकी जो बॉडी में दर्द थी वो कहते हैं नाकाबले बयान है, वो ऐसी उन्होंने ज़िंदगी में नहीं देखी। इसी तरह हमारे एक दोस्त हैं, उनकी जो कैफियत है वो इतनी ज़्यादा कमज़ोरी है कि वो बमुश्किल उठ के वॉशरूम तक जा सकते हैं। तो लोगों के अंदर जब ये डेंगू बिगड़ रहा है उसके बाद उसके अंदर और तरह की चेंजिंग्स आ रही हैं। पहले जो डेंगू आया पिछले 5 सालों के अंदर जो हमने देखा उसमें ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी, उसमें सिंपली बुखार था, प्लेटलेट्स काउंट डाउन होते थे, या बंदा सेहतयाब होता था या थोड़ा प्रोलॉन्ग होता था, और खुदा ना खास्ता कोई इस दुनिया से चला जाता था, ये होता था। लेकिन इस बार जो हालात हैं वो सिर्फ हमारी लापरवाही से, हुकूमत ने तो खैर एजुकेट ना करने का ठेका लिया। आपने हुकूमत का जिक्र किया, माजरत के साथ अगर मैं गलत नहीं, मैंने किसी भी हुकूमती अहदेदारान को, महकमा सेहत के किसी करता धरता को इस पर बात करते, मैंने तो पहले कहा कि उन्होंने एजुकेट ना करने का ठेका ले लिया है कि जी अब लोगों को उनकी हालत पे छोड़ दो, वो मरते हैं खपते हैं जिस तरह मर्जी गुजारा करते हैं, महंगाई की चक्की में पिसते हैं, पेट्रोल मिलता है नहीं मिलता, उनकी तनख्वाह आती है नहीं आती, मुलाजमत रहती है नहीं रहती, इससे अब सरकार को माजरत के साथ मुझे कंसर्न नजर आता दिखाई नहीं दे रहा। वो तो बस कहते हैं कि सब अच्छा है और 3 साल मुश्किल गुजार दिए, चीजें सारी जो खराब हैं वो अच्छा, वो कहते हैं 3 साल मुश्किल गुजार दिए, 2 साल मुश्किल और रह गए। और मैं ये बात हमेशा अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि या तो यह संजीदगी का ये आलम है कि ये किसी गरीब का दुख सुनने को, उसका दुख का मुदावा करने को तैयार नहीं है, या तो इनको बहुत ही ज़्यादा किसी बाबे शाबे ने, किसी पीर फकीर ने कह दिया है कि जी ये अगले 5 साल भी आप ही हैं और आप बेफिक्र रहें, आप मेहनत ना करें। अब आप देखें रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर इंसान को कितनी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है, चाहे वो रोज़गार कमाता है, रोज़ी कमाता है, चाहे वो अपना घर चलाता है, चाहे वो घर के अंदर के रोज़ के मामलात देखता है, ख्वाह वो मर्द है औरत है। अगर आप एफर्ट पुट नहीं करेंगे तो कौन से रिजल्ट आपको आसमान से मनो सलवा की तरह उतरेंगे, ये तो एक आउट ऑफ क्वेश्चन है ना। अब इनकी मेंटेलिटी माजर के साथ जितने भी मिनिस्टर्स, आपके जितने भी एमपीएस हैं और जितने भी आपके लोग जब उनसे डिस्कस करते हैं तो उनका ये ख्याल है कि सब कुछ पता नहीं कैसे ठीक हो जाएगा, और जो इशारिया वो बताते हैं वो हमें कहीं मिलते नहीं, हम जो इशारिया काउंट करते हैं हमें समझ नहीं आती। हाँ। और जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम उल्ट होकर बिल्कुल चकरा जाते हैं कि जो गुर्बत में गरीबों की, लोगों की हालत हो गई है वो समझ से बाहर हो जाती है। अब इस कैफियत में कम अज़ कम हमें 1.5-2 साल से तो हम ड्रैग हो रहे हैं, और मज़ीद 2 साल का कहा जा रहा है। अब अल्लाह रहम करे हम पर भी, सब पे भी, इन पर भी कोई थोड़ा इनको बताए कि रिलीफ देने का भी एक सरकारी सियासी टेन्योर में वक्त आता है,
और एक फैक्टर और जुड़ा हुआ जो मैंने बड़े दिनों से सोचा हुआ था कि मैं ज़रूर बात करूंगा, हर धर्मी की हालत ये है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है आपकी, जो पुलिस वाले हैं, अब वो इस हद तक ढीठ हो चुके हैं कि वो काम करने को तैयार ही नहीं है। पहले क्या होता था कि किसी ब्यूरोक्रेट ने काम किया, कोई मंसूबा डिलीवर किया, उस पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाए और वो अंदर चला गया, नैब भुगतता रहा, लेकिन काम हुआ, प्रोजेक्ट हुए, प्रोजेक्ट डिलीवर हुए, मेट्रो बस भी बन गई, ऑरेंज लाइन भी बन गया, सब कुछ हो गया। अब तो ये है कि कोई मंसूबा डिलीवर होने के करीब नहीं आता और कोई ब्यूरोक्रेट काम करने को तैयार नहीं होता, लेकिन मामला तो उनके वैसे चल रहे हैं, शहाना खर्चियाँ भी हैं, आपके मुलाजमीन की एक फौज जफर मौज भी है, गाड़ियां भी हैं, प्रोटोकॉल भी हैं, आपके सरकारी घर भी हैं, बुलंदी है जी। ये पहली दफा हुआ है कि बगैर डिलीवर किए, बगैर काम किए, इस जो पीटीआई की गवर्नमेंट के दौरान ब्यूरोक्रेसी ने जो उनके साथ हाथ किया है ना, अब इसको भी थोड़ा एवेल्युएट करें कि जो पहले ब्यूरोक्रेसी थी और जो माजी की हुकूमतों के साथ, माजी की हुकूमतें काम भी लेती थी, ठीक है, उन पर इल्जाम लगते थे, आप पे काम भी नहीं होते और इल्जाम भी लग जाते हैं ना, कुछ होता तो नजर आता। अब यहाँ काम भी नहीं होते और इल्जाम भी लग रही हैं, तो ये चीजों को थोड़ा एवेल्युएट करना पड़ेगा। इन द एंड ऑफ टाइम इमरान खान साहब खुद भी कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर, के ब्यूरोक्रेसी जो है वो बाज़ वक़्त डिलीवर नहीं करती, वो काम करने को तैयार नहीं है, तो ये बिल्कुल चीजें एवेल्युएट करनी पड़ेंगी। क्योंकि हम भी ये समझते हैं कि अब ब्यूरोक्रेसी अगर काम नहीं करेगी, ब्यूरोक्रेसी अगर अपना वो काम जो सिविल सर्वेंट है जो उसको दिया गया वो नहीं करेगा, तो ना डेंगी सर्विलेंस होगी, ना यहाँ पे एयर इंडेक्स बेहतर हो सकेगा, ना यहाँ पे स्पेशल मजिस्ट्रेट्स के तहत जो राइट्स हैं उस पर आप प्राइस कंट्रोल कर सकेंगे, ना माफिया को कोई लगाम डालेगा, ना किसी से पूछ गछ की जाएगी, ना किसी से कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम। तो ये सिस्टम को तो मैंने और आपने तो नफाज नहीं करना, हमने तो निशानदेही करनी है, हम तो किए जा रहे हैं, लेकिन जिसने डिलीवर करना है वो माजों के साथ काम करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, अब ये तो मौजूदा सूरत हाल है डेंगू की, लेकिन हमने इदारों की कारकर्दगी किया है, कौन कितना इस पर काम कर रहा है वो तो आप सबके सामने। हमने अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करनी है, और अपनी ज़िंदगी की हिफाजत कैसे मुमकिन हो सकती है कि कुछ चीज़ें सफाई सुथराई का सिर्फ आपने ख्याल रखना। अच्छा, एक बार मैं ऐड ऑन कर दूँ कि ना वही गिनती के 5-6 अच्छे अफसर हैं, उन्हीं को पिछली गवर्नमेंट ने भी घुमा फिरा के यूटिलाइज कर लिया, इस गवर्नमेंट ने भी यूटिलाइज कर लिया, वो पीछे भी परफॉर्म कर रहे हैं, वो अब भी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आपकी ये तादाद बढ़नी चाहिए ना। परफॉर्मर्स तो गवर्नमेंट की अगर इतनी अच्छी पॉलिसीज हैं तो परफॉर्म करने वाले पुलिस अफसर, परफॉर्म करने वाले सिविल सर्वेंट्स, उनकी तादाद तो बढ़नी चाहिए, वो घट रही है। और माजी की गवर्नमेंट को चलाने, अच्छी तरह से चलाने वाले वही अच्छे नेक नाम अफसर जो हैं वो अब इस गवर्नमेंट को धक्का दे रहे हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी सी एवेल्युएट करने की बहुत अच्छी ज़रूरत है इस मौके पर। सही है। चलें जी, नेक्स्ट खबर हम डिस्कस करते थे, 12 साल के बच्चों को भी वैक्सीनेशन का फैसला किया गया है, कोविड की हम बात करें। अच्छा, लोग बड़े खौफजदा हैं कि बच्चों को वैक्सीनेशन करानी है नहीं करानी है, और फिर जो जिन लोगों ने, पेरेंट्स ने जिन्होंने वैक्सीनेशन कराई है या नौजवानों ने कराई है, वो कुछ जो वैक्सीनेशन के बाद हल्का फुल्का बुखार वगैरह हुआ है उससे भी खौफजदा हैं। तो इस पर मायरीन की राय भी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये महफूज है, बहुत सारे लोगों के हमें ये भी जो है फीडबैक मिला है वैक्सीनेशन की सूरत में। डॉक्टर्स ने, माहिरीन ने बताया है कि जी हल्का फुल्का बुखार होता है और उसमें आपने पैनाडॉल लेनी है। अच्छा जी, कैसे देखते हैं आप? अच्छा, देखिए, ज़िंदगी बचाने के लिए आपको तो, देखें, हमें अगर हम इसका थोड़ा सा इहाता करें तो हमें माजी में भी और हमारी जो तारीख है मुसलमानों की, हमारी जो उससे भी पीछे चले जाए, तो ज़िंदगी बचाने के लिए तो हर इकदाम उठाने की बात की जाती है। तो आप अगर रिस्क फैक्टर देखें तो रिस्क फैक्टर तो बिल्कुल होते हैं, जब दवा असर कर रही होती है, आपके जिस्म में दाखिल होती है, तो वो आपके जिस्म को बिगाड़ती भी है, वो आपके जिस्म के अंदर तब्दीलियाँ भी लाती है। आप कोविड सिनेरियो से बाहर निकल जाए, आप देखें, उससे पहले जब हैवी एंटीबायोटिक बच्चों को दी जाती थी, जब बहुत ज़्यादा इंजेक्शन दिए जाते थे, सिरप दिए जाते थे, और बच्चों को फौरी तौर पे सेहतयाब करने के लिए डॉक्टर्स जो हैं वो हाई पोटेंसी की मेडिसिन यूज़ कराते थे, तो बच्चों की हालत तो तभी बिगड़ती थी। बच्चों को बुखार भी रहता था, बच्चों को कमज़ोरी भी हो जाती थी, उनके पेट ख़राब हो जाते थे, उल्टियाँ, मोशंस भी होते थे। तो ये चीज़ें तो कोई नई बात नहीं है। हाँ, अब रही कोविड की बात, तो कोविड के लिए जो वैक्सीनेशन है वो बड़ी हाई पोटेंसी किस्म की वैक्सीनेशन है, क्योंकि वो बहुत तेज़ी के साथ असरअंदाज होती है, आपकी बॉडी के अंदर दाखिल होती है, उस पर फिर बड़े क्या, बुज़ुर्ग क्या, बच्चे क्या, जवान क्या, फिर वो उसी फैक्टर में एक दफ़ा उसको बर्दाश्त करते हैं। लेकिन जब बर्दाश्त करते हैं तो खुदा ना खासा उसमें ऐसा नहीं है कि किसी की जान चली जाए। हाँ, थोड़ा बहुत असर करना तो एक अच्छी दवा और एक अच्छी वैक्सीनेशन की अलामत होता है कि वो आपके अंदर असर कर रही है। तो थोड़ा सा अगर इसको देखें और वैक्सीनेशन करवा लें तो मेरा ख्याल है कि बच्चे महफूज भी रहेंगे, क्योंकि आने वाले दौर में जितना ज़्यादा बच्चों का महफूज रहना ज़रूरी है,
तो शायद बड़े उम्र के लोगों का और बाकी लोगों का तो रिस्क फैक्टर इतना नहीं है, लेकिन बच्चे तो हमारे कौम के मेहमान हैं, उन्होंने स्कूल भी जाना है, आपको डेवलप करनी है, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह हम बाकी वैक्सीनेशन बच्चों की पूरी करते हैं, अब मेरे ख्याल से ये आने वाले टाइम में ये भी उसी सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। बच्चों की एजुकेशन रुक गई है, बच्चों की मेंटल ग्रोथ रुक गई है, बच्चों की कैपेसिटी डेवलपमेंट जो थी इन्हीं मसाइलों की तरफ जा रहे हैं, तो आपको ये चीजें तो करनी पड़ेंगी, ये चीजें करनी पड़ेंगी ताकि इसका खात्मा भी किया जा सके और ये हम सब मिलकर ही मुमकिन बनाएंगे। ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे तो डिफेंस के इलाके से खबर है जहां पर डाकू ने मुजम्मत पर 25 साल लेडी डॉक्टर को कत्ल कर दिया। उन्होंने आप बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फिलहाल हम ब्रेक लेंगे, आप हेडलाइंस जानिएगा, जिसके बाद शो में आपको एक बार फिर से वेलकम कहेंगे, हमारे साथ रहिए। मैं आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम डिस्कस करने वाले हैं, आज वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है, ये दिन मनाने का मकसद क्या है? असल में मकसद तो होता है कि जी आप किसी भी मामले पर डिस्कशन कर रहे हैं तो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना मकसद होता है, शऊर बेदार करना मकसद होता है। अमराज कल्ब में मुब्तला अफराद की तादाद में खौफनाक हद तक इजाफा हो रहा है और सबसे ज़्यादा जो इसमें डरा देने वाली और परेशान होने वाली बात है कि जी नौजवान आपके जो हैं वो अब इसका शिकार होते चले जा रहे हैं। इसकी वजूहात क्या हैं ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अलामात क्या हैं इन पर रोशनी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत टाइम गुजर जाता है और आप दिल के आर्जा कल्ब में मुब्तला होते हैं और आपको पता ही नहीं होता जी कि आपके साथ एक्चुअली इशू क्या चल रहा है। बहुत सारे लोग जब एक्सट्रीम लेवल पर उनका जो है वो मर्ज पहुंच जाता है, फिर जाके उनको पता चलता है कि जी उनके साथ ये मसला चल रहा है। तो आज कुछ हम सिम्टम्स भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी अलामत है जो खुदा ना खास्ता अगर आप महसूस कर रहे हैं तो आपको फौरी तौर पर डॉक्टर पे जाना है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ, पाकिस्तान में हर 1.5 मिनट में एक शख्स जो है वो दिल के मर्ज में मुब्तला होता है, जो कि इंतहाई खौफनाक है जी। पाकिस्तान की कुल आबादी का 30 हिस्सा अमराज कल्ब में मुब्तला अफराद जो हैं उनका उन पर मुश्तमिल है। खवातीन के मुकाबले में ज़्यादा मर्दों को दिल का दौरा पड़ता है। पाकिस्तान में दुनिया में पैदाइशी दिल की बीमारी वाले बच्चों की शरह सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान में हर साल 50,000 से ज़ायद बच्चे दिल की खराबियों के साथ पैदा होते हैं। तो ये तमाम फैक्ट्स हैं जो कि हमने आपके साथ शेयर किए। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, लेकिन ज़रूरी क्या है कि आपने ख़ुद भी मोहतात रहना है, आपने अपने लाइफस्टाइल को देखना है, आपने अपनी खुराक का ख्याल रखना है। आपने अगर जो सिम्टम्स हम आगे चल के आपके साथ शेयर करेंगे, खुदा ना खास्ता अगर कुछ है तो फौरी तौर पर आपने मुस्तनद डॉक्टर से राब्ता करना है। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, तारुफ कराना चाहूंगी। प्रोफेसर डॉक्टर जुबैर अकरम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हेड ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है जिन्ना हॉस्पिटल से। अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो बताइएगा आज का दिन मनाने का मकसद क्या है और लोगों को इस बारे में बताना कितना जरूरी है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया इस बहुत अहम डे पे और बहुत अहम मौजू पे मुझे बुलाने का। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो आज के दिन के मुनासबत से है कि लोगों को अवेयरनेस या शोर दिया जाए कि हार्ट डिजीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है, हार्ट और उसके बाद उसको किस तरह बचा जा सकता है। दैट इज़ द मेन रीज़न के ये पाकिस्तान वर्ल्ड हार्ट डे जो है मनाया जा रहा है। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि पूरी दुनिया में और इंक्लूडिंग पाकिस्तान, हार्ट डिजीज़ इज़ द लीडिंग किलर। इट आउटस्कोर्स कैंसर्स, हेपेटाइटस, लिवर प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, एड्स, इवन कोरोना। सो इट्स अ लीडिंग किलर और इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स ये हैं कि तकरीबन 18 मिलियन यानी कि 2.25 करोड़ अफराद जो है ईयरली जो है मौत के मुंह में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स। पाकिस्तान में ये तादाद तकरीबन 2012 में 2 लाख थी, 2017 में तकरीबन 2.5 लाख पर ईयर हो गई और अलार्मिंग तौर पर गुज़श्ता 3 से 4 साल में जो पाकिस्तान कार्डिक सोसाइटी की जो हमारी स्टडीज़ है उसके हिसाब से तकरीबन 4 लाख हो गई। अगर इसको इस तरह से ये तो तादाद बढ़ती चली जी और आप इसको मैं सब डिवाइड अगर करूं तो आप सुन के हैरान होंगे, तकरीबन 30 से 40 पर आर डेथ्स पाकिस्तान में जो हार्ट डिजीज की वजह से और तकरीबन 1000 से 1200 घंटे में इतनी जी और एक दिन के अंदर आप जिस तरह देखें कोरोना के मतलब वी आर सो स्केर्ड वी शुड बी और हमें एहतियात करनी है और कल कोरोना की डेथ्स में देख रहा था 52 थी जबकि हार्ट डिजीज के साथ 1000 से 1200 डेथ्स पर डे पाकिस्तान में हो रही है। सो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि और ये बढ़ती ही जा रही है तादाद और इससे हमें कुछ दबर आजमा होना है और उसके लिए हमें प्रिवेंशन की तरफ जाना है और उसका हमें सबाब तलाश करने हैं। बार-बार कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप प्रिवेंशन की तरफ आएं। डॉक्टर साहब प्रिवेंशन की तरफ से ही आ जाते हैं, हमने लोगों को मोहतात रखना है। सबसे पहले वजूहात क्या हैं दिल के अमराज की, हमें किन किन चीज़ों से परहेज करना है?
छह बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि रिस्क फैक्टर्स हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो रिस्क फैक्टर है दैट इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर जो कि इंटरनेशनली भी है, दैट इज स्मोकिंग स्पेशली इन। चलिए जी, मैं चाहूंगी कि आयशा इन चीजों को थोड़ा सा हाईलाइट करते जाए। छह बड़े रिस्क फैक्टर हैं जिनसे हम बता रहे हैं कि आपने महफूज रहना है। ये इसमें सबसे पहले डॉक्टर साहब ने कहा स्मोकिंग, आपने सिगरेट नोशी को तर्क करना है। नंबर टू इज हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट और हाई कोलेस्ट्रॉल। नंबर थ्री इज शुगर, डायबिटीज। नंबर फोर इज हाई ब्लड प्रेशर जिसको हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। और दो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो कि इंटरनेशनली उसमें इतने सिग्निफिकेंट नहीं, हमारी पॉपुलेशन में स्पेशली यंगर एज में बहुत ज्यादा हो गए। नंबर वन इज मोटापा एंड द अदर इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल, वी नेवर वॉक। सो ये छह बड़े अहम फैक्टर्स है जो कि रिस्क फैक्टर्स है, और कुछ लोग जो है उनमें इंडिविजुअली रिस्क फैक्टर मौजूद है और कुछ लोग में क्लस्टर ऑफ रिस्क फैक्टर्स है, वो मोटे अच्छा, भी जो रिस्क फैक्टर आप डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे हैं माजरत के साथ, इसमें कहा जाता है कि जी अगर आपकी फैमिली में ये प्रॉब्लम चल रहा है और विरासती आपको मिल जाता है, इज इट ट्रू? यस, जेनेटिक इसको नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कहते हैं। ये जो मैंने आपको बताया ये दीज आर द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, क्योंकि स्मोक आप अपनी मर्जी से करते हैं, शुगर विरासती तो हो सकती है, पर हो सकता है आप कंट्रोल अच्छा ना कर रहे हो, ब्लड प्रेशर विरासती भी हो सकता है बट आप शायद कंट्रोल ना कर रहे हो, और कर रहे हैं, और शुगर अगर आपका वजन ज्यादा और आप एक्सरसाइज नहीं करती तो शुगर और ब्लड प्रेशर जल्दी आते हैं। मगर किसी में अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज है तो और उसको तो बहुत ही मोहतात रहना है, क्योंकि अगर वो स्मोक करता है और अगर वो वजन बढ़ाता है और लाइफस्टाइल उसका अच्छा नहीं चलता नहीं है तो ऑब्वियसली उसका रिस्क जो है बाकियों के रिस्क से डबल। डॉक्टर साहब ये आपने तमाम रिस्क फैक्टर बता दिए, किस एज से आपको मतलब नौजवान अक्सर समझते हैं कि जी हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, हम तो खाते पीते जहां मर्जी आते जाते हैं, किस एज से आपको अपना लाइफस्टाइल जो है वो मॉडिफाई करना है? सबसे पहले मैं बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि स्कूल्स भी इससे काम स्टार्ट हो जाना चाहिए, बिकॉज ये सारा अमल जो दिल की शरानों में कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन है आफ्टर द एज ऑफ 8 to 10 ईयर स्टार्ट हो जाती है। सो एक बेसिक चेकअप जो है एक स्कूल लाइफ पे हो जाना चाहिए, क्योंकि डायबिटिक्स भी बच्चों में, डायबिटीज भी है बच्चों में, ब्लड प्रेशर भी है ड्यू टू आइडेंटिफाइबल कॉज, और बच्चों में हाई कोलेस्ट्रॉल भी है जिसको हम फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रीमिया कहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है स्कूल लाइफ में, उसके बाद आपकी रिस्क फैक्टर प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ, अब हम देख रहे हैं जो फैशनेबल एरियाज में स्कूल्स हैं स्पेशली, वहाँ बच्चों में स्कूल लाइफ से जो है शीशा स्मोकिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। लोगों का ख्याल होता है ये फ्लेवर्ड है, इट्स अ फन टू हैव अ यू नो शीशा स्मोकिंग, और इसके अंदर वो सिगरेट वाले असरात नहीं। आपको बताता चलूँ कि जिसपे कार्बन मोनोऑक्साइड, टार और जो लेड जो है इसके अंदर कंसंट्रेशन सिगरेट से ज्यादा है शीशा स्मोकिंग में। शीशा स्मोकिंग सिगरेट से ज्यादा खतरनाक। यस, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने भी बैन लगाया हुआ है, बट अभी भी प्राइवेट पार्टीज में इसको एज अ फन लिया जाता है, और बच्चों में सिगरेट का ट्रेंड बहुत बढ़ रहा है, और इसकी वजह से जो है हार्ट डिजीज जो बहुत प्रीमेच्योरली आ रही है, और हमारे पास बच्चे जो है अब 20s में भी हार्ट अटैक के साथ आ रहे हैं, और कुछ सडन डेथ्स भी हम रिपोर्ट कर रहे हैं जो कि 20s में। सो यू नो इनिशियली आज से 20-30 साल पहले हार्ट डिजीज 50-60s का फिनोमिनन था, अब 30-40 में पीक एज है पाकिस्तान में, और ये वो टाइम है जब आपको फैमिली के आपके प्रेशर्स पीक पे होते हैं, यू बीइंग दिस बहुत सी हमारी मेजॉरिटी फैमिलीज में एक ही अर्निंग मेंबर होता है और 7-8 बंदे जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। आप अंदाज़ा करें उस लाइफ में अगर सडनली हार्ट प्रॉब्लम हो जाए तो उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट फैमिली पे क्या होगे, और एक यंग बच्चा जिसकी कि अभी एजुकेशन शायद कंप्लीट नहीं हुई, उसने अभी पढ़ाई करनी है, उसकी शादी होनी है और आगे बहुत सारी ज़िंदगी मौजूद है, और वो 20s में जो है एक डिसेबिलिटी का बिकॉज ऑफ हार्ट प्रॉब्लम शिकार हो जाए, तो आई थिंक इट्स अ मैटर टू बी सीन। डॉक्टर साहब अलामात का जरा जिक्र कर दीजिए, क्योंकि सम टाइम आपकी बीमारी जो है वो एक स्पेसिफिक स्टेज से आगे चली जाती है, आपको पता ही नहीं होता कि अलामात क्या हैं, तो अलामात का यहाँ पर हम जिक्र करने वाले हैं, तो प्लीज़ नाज़रीन गौर से सुन लीजिएगा, जिन जिन लोगों को ये अलामात हैं उनको फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रिजू करना है। जी डॉक्टर साहब जी, बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात पूछी, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी रिस्क फैक्टर प्रोफाइल चेक करनी है, ठीक है, क्योंकि एक आम बंदा जो कि स्मोकर नहीं है, शुगर ब्लड प्रेशर नहीं, वो शायद थोड़ा कैजुअल हो सकता है, पर एक इंडिविजुअल जो सिगरेट 10-15 साल से या 5 साल से पी रहा है, जिसको शुगर भी है, जिसको ब्लड प्रेशर भी है, जो मोटा भी है, जो चलता भी नहीं है, जिसपे फैमिली हिस्ट्री भी है, तो वो किसी भी अनवांटेड सिम्टम्स को, जरूरी कि चेस्ट पेन ही हो, ही शुड टेक इट सीरियसली। मतलब बहुत से हमारे लोग तो क्लासिकल चेस्ट पेन, हैवीनेस और उसके साथ प्रेजेंट करते हैं, मगर उसके अंदर बहुत से लोग नॉन क्लासिकल वे में प्रेजेंट करते हैं, बहुत से लोगों को सिर्फ एंजाइना जलन की सूरत में होता है या पेट में दर्द की वजह से वो होता है, और वो यूजली मेदे वाले स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं, एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि वो डायबिटिक भी है, हाइपरटेंसिव भी है, स्मोकर भी है। बहुत से लोगों को जबड़े में दर्द होता है वो डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं, बहुत से लोगों को बाजू में दर्द होता है वो समझते हैं पट्टों के दर्द है, हाँ, exactly. और एक तो ये चीज़ है कि वो समझना नहीं चाहते, दूसरी चीज़ है कि वो डोंट वांट टू एडमिट इट,
साइकोलॉजिकली वो दे ट्राई देयर बेस्ट। और सबसे एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट मैं आपको बता दूं, वो डायबिटिक्स है। खासतौर पर अगर डायबिटीज 10-15 साल हो, उनको पेन नहीं होती, यू गेट अ पेनलेस और साइलेंट एंजाइना और साइलेंट हार्ट अटैक। उसके अंदर जो हम वो पेन का वेट कर रहे होते हैं, तो उसमें सिर्फ सांस का उखड़ जाना, तरेलियाँ आ जाना, जिसमें ठंडा हो जाना और कोई अनईजी फीलिंग, डायबिटिक्स शुड रिपोर्ट टू अ मेडिकल इमरजेंसी, क्योंकि इट मे बी अ साइलेंट हार्ट अटैक। सो आप अपने रिस्क फैक्टर प्रोफाइल के हिसाब से किसी भी, अगर आपके रिस्क फैक्टर ज़्यादा हैं तो किसी भी किस्म की अनयूजुअल सिम्पटम्स, घबराहट भी, इवन सांस को खड़ जाना, यू शुड सीक अ मेडिकल अटेंशन। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे जोड़ेंगे। और आजकल एक बड़ी नॉर्मल चीज़ है, हर दूसरा बंदा डिप्रेशन का शिकार, हर दूसरा बंदा टेंशन का शिकार है। आई कैन अंडरस्टैंड, हालात आसपास ऐसे हैं कि लोग ना चाहते हुए भी एक्स्ट्रा चीज़ों की टेंशन ले रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार होते चले जा रहे हैं। तो क्या डिप्रेशन और टेंशन भी दिल के अमराज की वजह हो सकती है? इसकी कॉज हो सकती है, आपको दिल के मर्ज में आप मुब्तला हो सकते हैं अगर आप हर वक्त डिप्रेशन में रह रहे हैं या आप टेंशन में रह रहे हैं। इस पर हम बात करते हैं, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैंने कहा डिप्रेशन, हर दूसरा बंदा डिप्रेशन का शिकार है, हर दूसरा बंदा टेंशन में है, क्या करें, हालात इर्द गिर्द ऐसे हैं। तो क्या मुसलसल डिप्रेशन में रहना, टेंशन में रहना, ये भी आप एक बड़ी वजह कह सकते हैं कि आप दिल के अमराज की तरफ ले जाती है आपको? डिप्रेशन और टेंशन जो है ऑब्वियसली सेकेंडरीली ऑब्वियसली डू अफेक्ट ऑब्वियसली, क्योंकि एक बंदा जो डिप्रेशन का शिकार है, आप अगर नोट करें तो यूजली वो दुनिया से बेजार है और यूजली दे आर ओवरवेट। ठीक। खाना पीना ज़्यादा खा के लेट जाना, किसी की एक्टिविटी में हिस्सा ना लेना, सो यू नो सेकेंडरीली डिप्रेशन। और उसके साथ जो कैटेकोलोमिन जो है हमारे स्ट्रेस के साथ जो है हॉर्मोन्स जो रिलीज होते हैं, तो उसमें यूजली डिप्रेशन और स्ट्रेस के साथ हाइपरटेंशन का एलिमेंट ज़्यादा है। ब्लड प्रेशर जो है अर्लियर एज में हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि एक्यूट स्ट्रेस, क्योंकि कई दफ़ा दिल के शरयानों में तंगी मौजूद होती है और थोड़ा सा हैम्पर कर रही होती है ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, पर एक्यूट स्ट्रेस कई दफ़ा यकदम झगड़ा, यकदम कोई एक बैड न्यूज़, तो उसके साथ वो प्लैक फिशरिंग होती है और उस जो नैरिंग है हार्ट में उसके ऊपर एकदम क्लॉट आ जाता है। तो सडनली होता है कि सुना चाहिए एक बैड न्यूज़ थी, कोई बिजनेस पर लॉस हुआ, सडनली स्ट्रेस लिया और एकदम हार्ट अटैक आ गया। उसकी वजह यह है कि फौरी तौर पर दिल के शरयानों में जो है एक क्लॉट आने का इम्कान, जिसकी वजह से जो है एकदम हार्ट अटैक हो जाता है। सो सेकेंडरीली ऑब्वियसली एज अ एग्रीवेटिंग फैक्टर जो है स्ट्रेस इज देयर, और डिप्रेशन जो है ऑब्वियसली इज देयर एज अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एन अर्ली हार्ट अटैक्स और अर्ली हार्ट डिजीज। सही। डॉक्टर साहब, हर दूसरा बंदा आजकल तो देखे ना, वो खाने पीने के शौकीन, और ये तो खास तौर पे तेज़ मसाला जात, और आप हर रोज अपनी भूख से ज़्यादा जो खा रहे हैं, लेट खा के सो रहे हैं, ये भी वजूहात शामिल हैं बीच में। पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बताता चलूं कि आज से 5-6 साल पहले जो है एक वर्ल्ड हार्ट डे का जो जिस पर था 29 सितंबर, उसकी थीम ही ये थी माइंड योर वेस्ट। सही। और बड़ा एक आप पब्लिक के लिए मैं बताता चलूं कि आपके रिस्क फैक्टर क्या है आपको हार्ट डिजीज होने का। मैंने आपको तो 6-7 इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स बता दिए। सिर्फ आप घर में एक मेयरिंग टेप जिसको आप इंची टेप कहते हैं, अगर आप वो रख लें तो आपको खुद पता चल जाएगा आपका चांस ऑफ हार्ट डिजीजेस क्या है। तो इंटरनेशनल रिकमेंडेशन ये है कि ओबेसिटी, मोटापा जिसको हम कहते हैं, उसकी डेफिनेशन ये है कि अगर मेल्स में आपकी वेस्ट लाइन जो है 40 इंच से ज़्यादा और फीमेल्स में 35 इंच से ज़्यादा अगर वेस्ट है, तो यू आर एट अ हाई रिस्क ऑफ गेटिंग अ हार्ट डिजीज। मेल्स में अगर 40 इंच से ज़्यादा आपकी वेस्ट है और ख़वातीन में अगर 35 से, तो हाई रिस्क है। डॉक्टर साहब, हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे जोड़ेंगे। अभी नाज़रीन, हम चूंकि आज बात कर रहे हैं वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से, तो तमाम हम एहतियात भी शेयर करें, सिम्टम्स भी शेयर करें, अभी हम इलाज की तरफ भी आएंगे कि दिल के अमराज में मुब्तला जो लोग हैं उनका पाकिस्तान में किस तरह से मौसर इलाज मौजूद है, अस्पतालों की सूरत हाल क्या है। अभी हमें हमारे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है, उनकी तरफ मैं जाना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब, क्या हाल चाल हैं आपके? जी अल्लाह का शुक्र है। जाहिद साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे यहाँ दिल के अमराज के हवाले से जो बड़ी इलाजगाह जिसको कहा जाता है, जहाँ बहुत सारे लोग आते हैं अमराज़े कल्ब में मुब्तला, PIC पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, यहाँ के हालात हमें हमेशा बिगाड़ की तरफ नज़र आए हैं। एक तो इलाज का वाहिद है जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मरीज आते हैं, लेकिन इसकी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए क्या कभी किसी ने तवज्जो दी है? मरीज़ इतने ज़्यादा हैं और हम देखते हैं बेड्स की कमी, और मतलब
व्हीलचेयर पर इलाज हो रहा है, कुछ हालात बताइएगा पीआईसी के बेहतर करने की तरफ कभी किसी ने गौर किया? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, जब 80s में ये अदारा बनाया गया था उस वक्त लाहौर शहर की आबादी जो है वो सिर्फ 35 से 40 लाख थी रजिस्टर्ड आबादी, और इस कम तरीन आबादी और इसके साथ साथ बहुत ही जो है वो कम जो है वो शराह थी उस वक्त जो है वो अमराज कल्ब की, और उसके बाद ये अमराज कल्ब की जो शरह है वो भी हमारे जो है वो लाइफ स्टाइल के साथ बढ़ी और शहर की आबादी जो है वो 3 गुना उसमें इजाफा हो गया। इसके साथ ही जो लाहौर से मुलहिका इलाके हैं वो भी तमाम तर जो है वो इसके ऊपर लोड था। तो ये एक तो पीआईसी के बाद कोई और बड़ा सेटअप बना नहीं, इस वक्त अगर आप लाहौर में देखें तो प्रैक्टिकली पीआईसी, उसके बाद मियो अस्पताल और जिना अस्पताल, ये 3 अस्पतालों में कार्डिक फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है। मियो अस्पताल और जिना अस्पताल में जुजवी तौर पे जो है ना वो उस तरह जो है ना वो एमरजेंसी नहीं हो रही, खास तौर पे जो प्राइमरी एंजियोग्राफी है वो शहर में किसी भी अस्पताल में नहीं हो रही, वो पीआईसी में भी अवेलेबल नहीं है कि हार्ट अटैक के साथ आने वाला जो मरीज है उसकी फौरी एंजियोग्राफी की जाए और फौरी तौर पर उसको स्टेंट डाले जाए ताकि वो इस तकलीफ से भी ज्यादा असर कर सके, उसका हॉस्पिटल स्टे भी कम हो सके और उसको फौरी तौर पर जो है वो ट्रीट किया जा सके। तो ये एक जो गोल्ड स्टैंडर्ड है इस वक्त अमराज कल्ब के इलाज का वो अनफॉर्चुनेटली आप देखेंगे ये किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है। जिना हॉस्पिटल की इमरजेंसी में एंजियोग्राफी मशीन जो है वो नस्ब है, वहाँ पे जो है वो एनजीओ स्वीट बनाया गया, लेकिन वहाँ पे वो प्राइमरी एनजीओ शुरू नहीं हो सकी क्योंकि उसके लिए गवर्नमेंट ने उस तरह वसाइल प्रोवाइड नहीं किए। इसी तरह पीआईसी में जो है वो इमरजेंसी में एनजियोग्राफी मशीन मतलब है, लेकिन यहाँ पे भी जो है वो पीआईसी में भी सिर्फ जुजवी तौर पे किसी हद तक चंद केसेस जो है ठीक है। जाहिर साहब ये जो मिसिंग फैसिलिटीज जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, तो हमने तो महकमा सेहत से बड़े बड़े दावे सुने थे कि जी सेहत सहूलियात के लिए ये किया जाएगा ये किया जाएगा, तो क्या कभी इन मिसिंग फैसिलिटीज की तरफ किसी ने गौर नहीं किया कि मरीजों के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है ये सहूलियात प्रोवाइड करना? देखिए ये अगर आप मजमूई तौर पर पंजाब के सरकारी बात करें तो वो ओवरऑल जो है वो कार्डिक फैसिलिटी के हवाले से जो है वो सस्टेन डिटेरियोरेशन से गुजरा रहे हैं, वो बिल्कुल केटर नहीं कर पा रहा और इसकी वजह से जो मरीज हैं आपके वो सरकारी शोबे में ख्वार हो रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर जो है वो फ्लॉरिश हो रहा है, उसकी वजह कि वहाँ इसमें जो कार्डियक ट्रीटमेंट है इसमें पैसा बहुत इन्वॉल्व है माजरत के साथ, तो उसकी वजह से प्राइवेट सेटअप को फ्लॉरिश करने की वजह से पंजाब में जो सरकारी शोबे में काम करने वाले लोग हैं उन्होंने आज तक इसको जो है वो एस्टैब्लिश नहीं होने दिया। और अगर आप दूसरी जानब देखें तो लाहौर या पंजाब के मुकाबले में सिंध जो है वो पंजाब जो 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 है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज वो अपने सेटेलाइट क्लिनिक्स जो है वो कायम करके पूरे सिंध को जो है वो अमराज कल्ब का इलाज काम कर रहा है और प्राइमरी एंजियोग्राफी वो अपने दूर अफ्तादा सेंटर्स के ऊपर भी कर रहे हैं। तो अगर वहाँ पे ये मुमकिन है, ये पाकिस्तान का ही वो एक हिस्सा है, तो लाहौर या पंजाब में क्यों मुमकिन नहीं है कि यहाँ पे भी जो मरीज हैं उनको वो गोल्ड स्टैंडर्ड का जो ट्रीटमेंट है वो दिया जा सके। तो ये मजमूई तौर पर गवर्नमेंट की इसमें जो है वो अदम तवज्जोही है, संगीन नौयत की गफलत है और जो अरबाब इख्तियार हैं जिनकी जानब से ये पॉलिसी साज जो हैं ये उनकी जो है वो मॉरल बैंक्रप्सी है जिसका खमियाजा भुगत रहे हैं सुदर्श जो है वो पंजाब के जो अमराज कल्ब के एक मरीज हैं वो। ठीक है जी, संगीन गफलत है ये। जाहिद साहब पीआईसी में जो बताया जा रहा है चीफ एग्जीक्यूटिव और एमएस का ओहदा खाली है, इससे मामलात किस हद तक मुतासर हो रहे हैं, कब से ये ओहदा खाली है और क्योंकि सूबे की बड़ी इलाजगाह है अमराज कल्ब के ये जितने भी मरीज हैं उनकी, तो क्यों इस पर जो है कोई तैनाती अमल में नहीं लाई जा रही? देखिए पीआईसी में गुज़श्ता जो है वो 1.5 साल से जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट का होता है वो खाली पड़ा है और ये फरवरी 2020 से जो है किसी को मुश्किल है मैं वहाँ पर तैनात नहीं किया जा सकता। और गुज़श्ता हफ्ते जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं प्रोफेसर साकिब शफी वो रिटायर हो गए और उसके बाद से अभी तक कोई नई सरकारी तैनाती जो है वो अमल में नहीं लाई जा सकी। तो पहले सिर्फ एमएस का होता खाली था, अब पीआईसी में जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव का भी होता खाली हो गया है और ये दोनों अहदों पे अभी तक जो है वो हुकूमत ने कोई जो है वो तैनाती नहीं की, जिससे अस्पताल के जो माली और इंतजामी अमूर हैं
वो बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं और डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट जो है वो पेशेंट केयर के ऊपर भी नजर आ रहा है। ठीक है जाई चौधरी साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाई चौधरी साहब मौजूद। बढ़ते हैं जी, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर जुबैर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या पाकिस्तान में, हमने तो PIC का भी जिक्र कर लिया, शहर के दीगर टीचिंग अस्पतालों में भी दिल के अमराज के लिए अलहदा से शोबे बनाए गए, क्या आप समझते हैं कि वो तमाम सहूलियात जो कि होनी चाहिए अमराज कल्ब में मुबतला अफराद के लिए, वो यहाँ पर मौजूद हैं? मैं आई एग्री विद जाहिद साहब, सबसे बड़ी बात है कि जब पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बना था तो लाहौर की आबादी 30-40 लाख, जो कि अब तकरीबन कुछ 1.5 करोड़ के करीब है, वो चली गई है दूसरे शहरों से भी, और उसके बाद डिवीजन लाहौर डिवीजन से शेखुपुरा ननकाना एंड दिस कसूर वो भी इधर ट्रेन कर रहे हैं, इवन फ्रॉम गुजरांवाला से भी लोग इधर आ रहे हैं, सियालकोट से भी इधर आ रहे हैं। सो पहली बात तो यह है कि 1990 में PIC बना और अब 2021 है, उसके बाद कोई और स्पेशलाइज्ड केयर हॉस्पिटल नहीं बना। तो सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो ये है कि पंजाब में, लाहौर में खासतौर, पंजाब में तो बने, फिर वज़ीराबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, पिंडी में बन गए, पर लाहौर डेफिनेटली नीड्स, बिकॉज ये लाहौर का चैनल है, लाहौर डेफिनेटली नीड्स वन अनदर बिग कार्डिक सेंटर। और उसके बाद जहाँ तक प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की बात की जाहिद साहब ने, और ऑब्वियसली दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, डेफिनेटली आई एग्री विद हिम, क्योंकि दो तरह से हार्ट अटैक ट्रीट होता है, और एक है कि इंजेक्शन लगा के, इंजेक्शन अगर लगे तो सिर्फ 30-40% लोगों में वो कामयाब होता है, सो 60% लोगों में वो कामयाब ही नहीं होता, जिसकी रिजल्ट के तौर पे आप इवन इन द टर्शियरी केयर हॉस्पिटल जो है मैसिव हार्ट डैमेज हो जाता है, जबकि अगर आप स्टेंट डाल दें, एंजियोग्राफी कर दें स्ट्रेट वे, तो 90-95% सक्सेस रेट है, और दैट इज़ अ वेरी गुड सक्सेस रेट। तो आई थिंक कि अगर मैन पावर हमें गवर्नमेंट और दे दे और इंस्टीट्यूट्स और बना दें, और जिस तरह सिंध गवर्नमेंट के सेटेलाइट सेंटर्स हैं उस तरह अगर नेटवर्क बिछा दिया जाए, क्योंकि टाइम इज़ द एसेंस, लेट्स से शेखुपुरा से अगर एक बंदा जो है लाहौर पहुँचते पहुँचते 1.5 घंटा लगा देता है, और अगर शेखुपुरा में और कसूर में एक फिल्टर क्लिनिक हो जहाँ विद रोटेशन पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी दूसरे हॉस्पिटल के वहाँ कंसल्टेंट्स हैं, और वहाँ विद इन मिनट्स, लेट्स से अगर 10 मिनट में किसी की एंजियोप्लास्टी हो जाए या 2 घंटे में किसी की एंजियोप्लास्टी हार्ट अटैक में हो जाए, तो इट मेक्स अ हेल लॉट ऑफ अ डिफरेंस। एग्जैक्टली, तो दिस इज माई रिकमेंडेशन के ऑब्वियसली मोर फिल्टर क्लिनिक्स एंड इट्स एटलीस्ट वन मोर स्पेशलाइज कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट इन लाहौर। बिल्कुल जी, ये वक्त की अहम ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, अब ये बताइएगा कि जो दिल के मरीज हैं, बरवक्त इलाज उनके लिए कितना ज़रूरी है, और अगर टाइमली इलाज नहीं कराया जाता तो क्या ये जानलेवा साबित हो सकता है? जी, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैंने आपको जिस तरह पहले कहा कि सबसे पहले आपका अगर रिस्क फैक्टर प्रोफाइल है तो थोड़ा सा भी सिम्टम जो कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन है आपको सीरियसली लेना है। यू नो, इट मे बी बर्निंग, इट मे बी घबराहट, इट मे बी सांस फूल गया, एक घबराहट हो रही है, डायबिटिक है, स्मोकर है, तो उसको फौरी तौर पर करना है। और यूजली हमने देखा है कि बहुत से लोग जो है उसके लिए खुद से ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, मैदे की कोई दवाई ले ली, राइजिक ले ली, ओमेगा ले ली, म्यूकिन ले ली, खुद से कुछ बैठ के कोई 7-अप ले ली, और दे ट्राई देयर बेस्ट। और टाइम इज़ द एसेंस, स्पेशली अगर हार्ट अटैक है, अगर आपको चेस्ट में पेन, कंप्रेशन, पसीने आ रहे हैं, अगर कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा सिम्टम्स हो गए, तो रेस्ट अश्योर्ड कि देयर इज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ यू हैविंग अ हार्ट अटैक, स्पेशली अगर आप 45 से ज़्यादा एज के हैं, आप स्मोकर हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, सो आपको फौरी तौर पर करीबी तरीन एमरजेंसी में जाके ज़रूर चेक करा लेना चाहिए। रिगार्डिंग एंजाइना, एंजाइना यूजली होता है कि आपका वैसे नॉर्मल सिटिंग हालत में आप बिल्कुल ठीक है, मगर आप एक हद से ज़्यादा एक्सरसाइज कर लें, या आप गाड़ी को धक्का लगा लिया, बच्चे को उठा के चल पड़े और सब कुछ, और आप फिर खून की जो मकदार है हार्ट को कम सप्लाई हो, तो यू गेट अ कंप्रेशन, और जैसे ही आपने वो काम ख़त्म किया वो फिर ठीक हो जाती है। सो दैट इज़ अ वार्निंग सिग्नल के यू मे बी हैविंग अ हार्ट प्रॉब्लम, और यूजली वो 5 मिनट से कम होती है, जबकि हार्ट अटैक में यही सिम्टम्स अगर बढ़ जाएँ और आधे घंटे से ज़्यादा हो जाएँ तो हार्ट अटैक भी हो सकते हैं। और वो आपने टाइम वाली बात की बर वक्त, सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप जितनी जल्दी हॉस्पिटल में चले जाएंगे, और अगर आप आधे घंटे में चले गए और आपकी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी हो गई, हो सकता है आपके हार्ट को कोई डैमेज हो ही ना, मगर आप इन सिम्टम्स का 6 घंटे तक 8 घंटे तक या ओवरनाइट सो गए और सुबह उठ के गए हॉस्पिटल, तो हो सकता है कि आपके लिए कोई भी ट्रीटमेंट जो है इफेक्टिव रहे ना, ना आपको इंजेक्शन लग सके, ना आपकी एंजियोप्लास्टी हो सके, और टाइमली डॉक्टर के पास जाना इतना जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, फर्स्ट एड जिसको कहा जाता है, खुदा ना खास्ता जब कभी भी किसी को हार्ट अटैक होता है, नॉर्मली लोगों को पता ही नहीं होता कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं,
तो हार्ट अटैक की सूरत में ऑब्वियसली आपका फर्स्ट रिएक्शन होता है आप रेस्क्यू 112 को कॉल करें, लेकिन हम चूंकि यहाँ पर आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं तो पहले आपके साथ एक वीडियो हम शेयर करेंगे और उसके बाद मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी कि फर्स्ट एड कितनी ज़रूरी है और इसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन होना कितना ज़रूरी है। सबसे पहले वीडियो शेयर कीजिएगा जी। इस वीडियो में हम CPR के बारे में बात करेंगे। CPR यानी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, नई तरीके से दिल और फेफड़ों के निज़ाम की बहाली को CPR कहा जाता है। जब किसी का दिल और सांस बंद हो जाए तो इसका CPR किया जाता है। इमरजेंसी सर्विसेज के पहुंचने तक CPR के जरिए मुतासर शख्स को जिंदा रखा जा सकता है। कम्युनिटी की सतह पर CPR DRCAB के तरीके से किया जाता है। डी से मुराद डेंजर यानी खतरे को देखना। जाए हादसा पर मरीज के इर्द गिर्द तमाम अतराफ में देखें और यकीनी बनाएं कि कोई खतरे की चीज मसलन बिजली की तार, तेज धार नोकीली चीज या कांच वगैरह मौजूद ना हो। आर से मुराद मरीज का रद्दअमल या रिस्पांस है। मरीज का रिस्पांस जानने के लिए मरीज के कंधों को नरमी से हिलाएं और पूछें कि आपका नाम क्या है, आपको क्या हुआ है, क्या आप ठीक हैं। अगर मरीज कोई रद्दअमल ना दे या बेहोश हो या सांस मुश्किल से ले रहा हो तो फौरन इमरजेंसी सर्विस को कॉल करें। सी से मुराद सीने पर दबाव या कंप्रेशन देना है। बगैर वक्त जाया किए मरीज का सीना दबाना शुरू कर दें। सीने को दबाने के लिए अपने दाएं या बाएं हाथ की हथेली को सीने या छाती के दरमियान में रख कर दूसरे हाथ को पहले हाथ के ऊपर रखते हुए अपनी उंगलियां वीडियो में दिखाए गए तरीके के मुताबिक नीचे वाले हाथ की उंगलियों में फंसा कर और बाजुओं को सीधा रखते हुए पूरी कुव्वत और तेजी से दबाएं। कुव्वत का मतलब 2 से 2.25 इंच गहराई तक। और ठीक है जी, ये प्रॉपर तरीकेकार है जो कि हमने दिखा भी दिया। डॉक्टर साहब, आपका इस पे कमेंट चाहिए। क्या वाकई फर्स्ट एड आपको जो देनी है वो मरीज को इस तरह से देनी? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, बिकॉज हम हार्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि रिस्क फैक्टर्स हैं तो आप सिम्टम को इग्नोर ना करें और जितनी जल्दी चले जाएं ये ना हो कि आप कोलैप्स ही घर कर जाएं। और फिर ऑब्वियसली CPR जितना मर्जी भी करें, घर का इंडिविजुअल जो है अफेक्टिव CPR नहीं कर सकता। तो द अर्लियर यू गेट टू द हॉस्पिटल, द अर्लियर आप 112 को जितना जल्दी कर लेंगे, दे आर ट्रेंड, क्योंकि वो हमारे पास आके करते हैं। जहाँ तक मेडिकेशन का ताल्लुक है, यू नो, बहुत से लोग आजकल इंटरनेट का दौर है, गूगल से बहुत सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। बिल्कुल। कुछ लोग जो स्मोकर होते हैं, डायबिटिक हाइपरटेंसिव है, वो घर में जुबान के नीचे रखने वाली गोली रखते हैं, विच इज ओके, आप रख सकते हैं। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका रिस्क फैक्टर प्रोफाइल है और ख़ास तौर पे आप पहले एंजाइना के पेशेंट हैं, तो सबसे अहम जो गोली जो घर में रखनी चाहिए वो दैट इज़ अ सॉल्युबल एस्प्रिन। ठीक है, यानी कि डिस्प्रिन की दो किस्म की प्रेपरेशन होती है, एक कोटेड होती है जो लोप्रिन और एस्कार्ड इस तरह, वो नहीं, जो सॉल्युबल एस्प्रिन जो पन्नी में सिल्वर कलर के तलवार मार्का आप जिसको कह सकते हैं वो, और उसको भी आपने खाना नहीं है। द बेस्ट वे इज कि अगर आपको चेस्ट पेन है, कुछ है, 112 को बुलाया, आपकी स्वेटिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, यू नो यू फील कि आप 20-25 मिनट से ज़्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, तो सबसे पहली चीज़ यह है कि आप उस सॉल्युबल एस्प्रिन को या पानी के ग्लास में घोल के पी लें, या दूसरा तरीका यह है कि उसको दांतों के जरिए चुबा लें मुंह में। अच्छा। क्योंकि दैट इज द फास्टेस्ट वे ऑफ गेटिंग द एक्शन, और वो मिनटों में जो है अफेक्ट करेगी। और इसके मतलब आपको बताते चलो कि एस्प्रिन को आप पुअर मैन स्ट्रेप्टोकाइनेस भी कहते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेस उस टीके का नाम है जो कि प्राइमरी एंजियोप्लास्टी के अलावा जो है हॉस्पिटल जाके मिलता है। सो 30 इस पे भी तकरीबन 50% से ज्यादा लोग सिर्फ एक गोली एस्पिरिन सॉल्युबल ले लें, इट मे प्रूव अ लाइफ सेविंग थिंग, और उनका क्लॉट जो आया है वो हॉस्पिटल पहुंचे से पहले किसी हद तक घुल जाए और उससे उनकी मोर्टेलिटी जो है कम हो जाती है। उसके बाद ऑब्वियसली वही बात है कि उस स्टेज तक जाने ही ना दें कि सांस बंद हो जाए और आपको CPR करना पड़े। द अर्लियर यू कॉल 112, आपने ठीक है उसको लिटा देना है, सब कुछ कर देना, बट ऑब्वियसली आप स्टिल यू आर नॉट केपेबल, घर वाले बंदे ना प्रॉपर कंप्रेशन दे सकते हैं, तो जितनी जल्दी 112 को बुला लिया जाए, इवन हॉस्पिटल शिफ्ट करने से पहले दे आर फुली ट्रेंड टू डू CPR,
और ताकि उसे डॉक्टर साहब मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगी गौहर एजाज साहब की खिदमात के हवाले से, जिना हॉस्पिटल में बिला शुबा उनकी खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं है, तो जो उनकी जानिब से इनिशिएटिव लिए गए मरीजों की देखभाल, आप कैसे देखते हैं उनकी खिदमात? देखिए जी, मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी जिना हॉस्पिटल का जो है, जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की सब कमेटी है उसका मेम्बर भी हूँ जी, और मस्त है कि ब्लेसिंग है गौहर एजाज की सूरत में, जो एक प्रॉपर जो पहले एक्ट आया था ये ऑटोनॉमी का, तो उस पर क्योंकि बहुत से प्रोजेक्ट्स जो है गौहर एजाज साहब के इस ज़ेर निगरानी जो है इस वक्त चल रहे हैं, जिसमें HMS जो सिस्टम सबसे पहले पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हमारे फाइनल स्टेजेस पे है, और उसमें हॉस्पिटल में जितने पेशेंट्स OPD इन पेशेंट उधर आ रहे हैं वो सब जो है ऑनलाइन अवेलेबल होंगे, रिपोर्ट्स ऑलरेडी पैथोलॉजी की हमारी ऑनलाइन चली गई हैं, और उसके बाद जो है पनागा वो बना रहे हैं, उसके बाद जो है पैथोलॉजी अपग्रेडेशन है, फिर उसका डायग्नोस्टिक्स जो है उनकी अपग्रेडेशन है। सो उस रिगार्डिंग द हार्ट, सबसे अहम बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वी हैव रिक्वेस्टेड टू गौहर एजाज साहब, हैज रिक्वेस्टेड टू द चीफ मिनिस्टर पंजाब और मैडम यास्मीन राशिद से भी, और जो हम सेकेंड कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट इन लाहौर की बात कर रहे थे, तो इनिशियल प्रपोजल गौहर एजाज साहब ने भी बताया कि इनिशियल प्रपोजल ऑफ जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है उन्होंने अप्रूव कर लिया है। सो मेबी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसका बजट भी आ जाए, अगर क्योंकि हॉस्पिटल की तरफ से MS और प्रिंसिपल वगैरह ने तमाम लैंड जो है उनको ऑफर कर दिए, इट्स सेटली प्लेस्ड। गौहर साहब हम कह सकते हैं कि गौहर एजाज साहब की जानिब से इस पे भी काविशें की जा रही हैं, और दिल के मरीजों के लिए भी अच्छी स्पेशल स्पेशल अगर ये तोहफा होगा कि अगर जिला इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है वो बन जाए, अल्लाह खैर करे, गौहर एजाज की काविशों से, एंड ही इज़ वर्किंग ऑन दैट, और वो कहते हैं मेरा मिशन है, तो अगर ये बन जाए तो दूसरा कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट लाहौर शहर को इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा। इंशाल्लाह जी, हमने यहाँ पर जिक्र किया जैसा कि गौहर एजाज साहब की खिदमात का हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं, खास तौर पर जिना हॉस्पिटल में जो स्टेट ऑफ द आर्ट डायलिसिस की सहूलत है, उसके बाद जो काविशें जो काबिल जिक्र हैं उनमें जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जी अब कोशिश की जा रही है कि जितने अमराज कल्ब में मुबतला अफराद हैं उनके लिए भी सहूलियात वहाँ पर प्रोवाइड की जाएँ। डॉक्टर साहब, मैसेज देखने वालों को आज के दिन की मुनासबत से क्या देना चाहेंगे? प्रिवेंशन इज़ बेटर देन केयर, यू नो, पहली बात है आप समझे कि हार्ट डिजीज़ आर रियली समथिंग टू बी वरीड ऑफ, हम इसको बिल्कुल इसका ख्याल नहीं कर रहे, हमारे खाना पीने का स्टाइल बिल्कुल गलत है, हम सब्ज़ी और फ्रूट्स की तरफ नहीं जा रहे जब, और हम चिकनाई वाली चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट डाइट में ये है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स जो है उनको अवॉइड करें। एक ज़माना था कि हम बात करते थे कि जी आप घी और मक्खन मलाई हैं, येस यू हैव टू प्रिवेंट दैट, मगर कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस है इस वक्त, कि आपके जो चावल हैं इवन रोटी जो है इसमें, और इन कार्बोहाइड्रेट्स जो है इवन फैट से ज़्यादा जो है डेंजर साबित हो रहे हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक कम करें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। उसके बाद आप डेली एटलीस्ट 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक ज़रूर करें, और आप रिस्ट वॉच ऐसी लगा लें, मैं इनक्रेज करता हूँ लोगों को कि वो जो आजकल रिस्ट वॉच आ रही है जिसके अंदर आपके स्टेप्स या आपके एंड्रॉइड्स के अंदर आपने स्टेप्स ज़रूर कैलकुलेट करें, वो एक खुद ब खुद आपका चेक हो जाएगा। तीसरी चीज़, अपना वज़न जो है उसको मॉनिटर करें, बहुत से हमारे लोग जो है ट्राउजर्स नहीं पहनते, सबसे मैं पेशेंट से बात करता हूँ शलवार कमीज़ वाला बंदा, उसको अपनी वेस्ट का पता ही नहीं चलता, तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट है घर में एक आपका वेइंग स्केल होना चाहिए, वेइंग मशीन, उस पे अपना वेट चेक करें और इंची टेप से अपनी वेस्ट जरूर चेक करें, याद रहे कि मर्द वेस्ट चेक करें जी जी, और 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट अगर फीमेल्स में 30 से कम है और मेल्स में 35 से कम है तो उनमें हार्ट डिजीज होने का इम्कान बहुत कम है, सो दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपको मैं देना चाहूंगा रिगार्डिंग शुगर एंड ब्लड प्रेशर, हर दो में से एक ब्लड प्रेशर के पेशेंट को पता ही नहीं कि उसको ब्लड प्रेशर, इट्स अ साइलेंट किलर, इट्स अ साइलेंट एनिमी, सो ये ना सोचे कि मुझे सरदर्द होगा मैंने ब्लड प्रेशर चेक कराना है, ऑफ एंड ऑन आफ्टर 30 जो है एक दो साल में 6 महीने में जरूर ब्लड प्रेशर चेक करा लिया करें, शुगर जरूर चेक करा लिया करें, खाने में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और जो स्मोकर्स है खासतौर पर यानी मुकम्मल टाइम टू टाइम आपको अपना कराना बहुत ज्यादा, अगर आप ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप हार्ट डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सभी को प्रिवेंटेबल रखे, ये तमाम चीजें जी प्रिवेंशन है जिससे आप किसी भी किस्म के मर्ज से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच, जजाक अल्लाह डॉक्टर साहब आपके बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, अब मैं कोई लंबी सी तमहीद नहीं बांधने वाली, वो लोग जो कि दिल के अमराज से बचना चाहते हैं उन्हें क्या खाना है, और वो लोग जो कि दिल के मर्ज में मुब्तला हैं उनके लिए अच्छी खुराक क्या है, हमारे साथ माहिर गिजायात आयशा नासिर मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ेंगे और वो हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं? बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा, सबसे पहले तो दिल के अमराज से बचने के लिए आपको किन किन चीज़ों से परहेज करना है, अपने खाने में क्या चीज़ें रखनी है, फिर आते हैं जो इस मर्ज में मुब्तला है उनको क्या खाना है।
जिन्होंने बचना है बाहर के खानों से बचें। क्वालिटी ऑफ ऑयल बहुत ज़्यादा बेटर करता है कोलेस्ट्रॉल के लिए, दिल के अमराज के लिए। अगर आप अच्छी क्वालिटी का ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तो कभी भी हार्ट में वो प्रॉब्लम्स नहीं लेकर आएगा। लेकिन अगर आपका क्वालिटी ऑफ ऑयल, एक सिंपल असूल है, अगर हाथ पे तेल जम गया इट मींस वो जम जाएगा। अगर वो पिघल गया, अगर आप हाथ पे रखते हैं वो पिघल गया, जैसे देसी घी हाथ पे रखते हैं तो वो पिघल जाता है, या आप ऑलिव ऑयल हाथ पे रखते हैं वो पिघल जाता है, वो अंदर जाके भी पिघल जाएगा। सो जो गंदी क्वालिटी की चॉकलेट्स हैं, जो गंदे क्वालिटी के खाने हैं, उनको अवॉइड करें। अगर आपने इस्तेमाल करना है ओमेगा 3 ओमेगा 6 के अच्छे सोर्सेज का इस्तेमाल डाइट में होना चाहिए। फ़िश बहुत इंपॉर्टेंट है, फ़िश का सीज़न आ चुका है। वन टाइम विदाउट स्किन और वन टाइम विद स्किन हफ्ते में ज़रूर इस्तेमाल कर लेनी है। इसके साथ साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, छिलके के साथ इस्तेमाल करना है। फ़ाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, फ़ाइबर जितना आपकी डाइट में ज़्यादा रहेगा आप हार्ट के प्रॉब्लम से उतना ज़्यादा बचे रहेंगे। नट्स और सीड्स बहुत अच्छे हैं, जैसे मैंने ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की बात की, नट्स और सीड्स बहुत अच्छे हैं। नट्स का इस्तेमाल, एक मुट्ठी नट्स आपने दिन में ज़रूर लेने हैं। सीड्स भी 1-2 टेबलस्पून तक सीड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पम्पकिन सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, सेसमे सीड्स हो गए। वेराइटी ऑफ सीड्स आपकी डाइट के अंदर ज़रूर होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं जो लोग हार्ट की बीमारी में खुदा ना खास्ता मुब्तला हैं, उनको अपनी डाइट क्या रखनी है। 7 बादाम या 2 अखरोट एम्प्टी स्टमक ज़रूर इस्तेमाल करें। चिया सीड्स बहुत अच्छे हैं, चिया सीड्स का इस्तेमाल जो है वो एम्प्टी स्टमक किया जा सकता है। जैसे 1 टेबलस्पून चिया सीड्स रात को भिगो के रखती है, उठते साथ ही वो आपने पी लेना है, उसके ऊपर से एक गिलास पानी और पी लेना है। लो फैट डेरी का इस्तेमाल करना चाहिए, कभी भी दूध के ऊपर बलाई आ रही हो या दूध के ऊपर से बलाई हटी ना हो तो हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। जो दूध की बलाई है वो हार्ट के प्रॉब्लम्स को वर्स कर देती है। इसके अलावा जो फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल है वो बिल्कुल ना करें। फाइबर जो कि चाहिए, जो कि हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, वो हम सारा का सारा डिस्कार्ड कर देते हैं, और जो पीछे बचता है वो बचता है आपका सारा का सारा फ्रुक्टोज नेचुरल फ्रूट शुगर। सो आपने फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल नहीं करना, होल व्हीट इस्तेमाल करना है, यानी चौकर की रोटी या जिसमें जो चक्की का आटा है उसका इस्तेमाल करना है। जो सफ़ेद आटा या तंदूर की रोटी होती है उसका जितना हो सके इस्तेमाल ना करें। चावलों का इस्तेमाल भी करना है तो वाइट राइस की बजाय ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें। ब्रेड का इस्तेमाल करना है तो ब्राउन ब्रेड नस्बतन बेहतर चीज़ है। सालन जो है वो अच्छे ऑयल में बने, जैसे मैंने बात ही स्टार्ट किया, क्वालिटी ऑफ ऑयल इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपकी क्वालिटी ऑफ ऑयल ही अच्छी नहीं, आपने अच्छी क्वालिटी का ऑयल नहीं डाला हुआ, तो हार्ट के प्रॉब्लम्स जो हैं वो वर्स हो जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी करते हैं, खाने के ऊपर तरी नहीं आनी चाहिए। चाहे आपका हार्ट का प्रॉब्लम है, चाहे आपका हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, इससे पहले कि ये प्रॉब्लम शुरू हो जाए एक असूल याद रखें, हर बंदे का खाना, एक वक्त का खाना एक चाय के चम्मच ऑयल में बनना चाहिए। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैनोलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्राइंग के लिए कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, नाश्ते के लिए देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक चाय के चम्मच से ज़्यादा नहीं। हमारे हाथ हमें सेटिस्फेक्शन ही तब होती है जब मसाले ऊपर तैर रहे हो, जो कि इंतहाई गलत प्रैक्टिस है हमारी। फिर सैलड्स का इस्तेमाल हम ना होने के बराबर करते हैं। सैलड फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, दिल की बीमारियों से बचाने के लिए, शुगर से बचाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मददगार है। शाम के टाइम पर अक्सर मैंने देखे मेरे पास क्लाइंट्स आके कहते हैं हम तो शुगर फ्री बिस्किट्स का इस्तेमाल करें क्योंकि हमें हार्ट का प्रॉब्लम है। एक चीज़ को समझना है कि चाहे उनमें शुगर नहीं डली हुई, डजंट मीन कि वो गंदे अंडों से नहीं बने, डजंट मीन कि उनमें गंदी क्वालिटी का ऑयल नहीं डला हुआ। इस चीज़ को समझें कि बाहर के बेकरी आइटम्स जितने हैं वो सारे के सारे इंतहाई गंदे ऑयल में बने हुए हैं। सो उनका इस्तेमाल जितना हो सके इज्तनाब करें। फ्राइड आइटम्स का इस्तेमाल जो है वो हरगिज़ तौर पे नहीं करना। हम रमज़ान आता है, रमज़ान में लोगों के कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं, जलेबियाँ पकौड़े ऐसे इस्तेमाल करते हैं। जो आपके घरों में ऑयल है आपने उसमें 1-2 दफ़ा कुकिंग करनी है, जब शॉर्टनिंग यानी कि काले रंग के अंदर चीज़ें नज़र जो काले काले से स्पॉट्स अंदर आ जाते हैं वो नज़र आना शुरू हो जाए, इट मीन्स कि ऑयल की शॉर्टनिंग हो गई है, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। एक मैंने बड़ी गलत प्रैक्टिस देखी है, लोग उसको छान के दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल, हरगिज़ नहीं, ऑयल ख़राब हो चुका है। जितना आप या तो चीज़ इस्तेमाल ही ना करें, मतलब अगर आपने समोसे पकौड़े खाने हैं या तो खाएं ना, अल्लाह का वास्ता अपने आप को जहर से तो ना फीड करते जाएँ कि आप अपने आप को जहर देते जा रहे हैं कि आपका LDL लेवल जो है वो बढ़ाता जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन जिसका कोलेस्ट्रॉल का मसला है, कुछ चीज़ें नट्स का इस्तेमाल, सीड्स का इस्तेमाल ज़रूर अपनी डाइट पे रखना है, अच्छी क्वालिटी ऑफ ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर रखना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल आपकी डाइट के अंदर ज़रूर होना चाहिए, डेरी का इस्तेमाल रिस्ट्रिक्ट करना है, बगैर भलाई के आपने डेरी इस्तेमाल करनी है, चीज़ भी तो लो फैट चीज़। सही, तो ये वो चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, ये वो ग़िज़ा है जो कि आपने अपनी रोज़
रूटीन का हिस्सा बनानी है। आयशा, साथ ही साथ आपके लिए प्रॉपर वॉक एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है। एक कुर्सी पे बैठ के आप कोलेस्ट्रॉल को मैनेज नहीं कर सकते पूरे दिन। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं आप एक कुर्सी पे बैठे रहेंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं होगी, ये पॉसिबल नहीं है। पुराने वक्तों की डाइट जो है वो सबसे बेहतर है, पुराने वक्तों का जो लाइफस्टाइल है वो सबसे बेहतर है। बिल्कुल, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको अगर खुदा ना खास्ता दिल के अमराज से बचना चाहते हैं तो आपको अपनी एक रूटीन का हिस्सा बनानी है खाने पीने में। और दिल के मर्ज में जो मुब्तला लोग हैं उनको अपनी डाइट क्या क्या रखनी है वो भी आयशा ने बता दिया। सेकेंडली नाज़रीन, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो हमने बहुत ज़्यादा आराम पसंदी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया कि आपने खाना खाया और आप रेस्ट करने लगे, इस लाइफस्टाइल को आपको अब चेंज करना है और आपको जो है अपनी ज़िंदगी में हरकत लेकर आनी है, चलते फिरते रहना है, वॉक करना, एक्सरसाइज करना अपनी रूटीन का हिस्सा बना ले। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा आपके वक्त के लिए। नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और आज का शो स्पेशल आप लोगों के लिए था कि हम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें कि किस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी की हिफाजत को यकीनी बनाना है। तो सबसे पहले एहतियात, और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसे मर्ज में मुब्तला है तो बर वक्त इलाज बहुत मैटर करता है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।